यह पद श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड से लिया गया है। इसमें मंदोदरी अपने पति श्री रावण को सीख देती है। मंदोदरी की रावण को सीख। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु। पहली पंक्ति में मंदोदरी कह रही है, कंत यानी स्वामी पति, हे प्रियतम, हे पतिदेव, करस हरिसन परिहरहु। करस का मतलब होता है विरोध, हरि का मतलब है प्रभु अर्थात या श्री राम, और परिहरहु यानी त्यागना। कंत करस हरिसन परिहरहु, हे प्रियतम, हे स्वामी, आप भगवान श्री राम के साथ में अपने विरोध को त्याग दीजिए। मोर कहा अति हित हिय धरहु। आगे वो कहती है, मोर कहा यानी मैं जो कहती हूं, मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है, अति हित यानी बहुत ही हितकर है, लाभकारी है, और हिय धरहु इस बात को आप अपने हृदय के अंदर उतार लो। समुजत जासू दूत कई करनी, इस्रवही गर्भ रजनी चर घरणी। अब वो श्री हनुमान जी के द्वारा लंका को जो जला करके ध्वस्त कर दिया था उसका स्मरण कराते हुए कहती है। समुजत का मतलब है स्मरण आना, याद आना। जासू यानी जिसके दूत, यहां दूत यानी राम के दूत हनुमान, जिनके दूत के पराक्रम, उनके द्वारा की गई करनी, उसका स्मरण होने मात्र से ही स्रवही गर्भ, यहां स्रवही का मतलब है गिर जाना, रजनीचर घरणी, रजनीचर कहते हैं राक्षसों को, और घरणी का मतलब है पत्नी, जिसके पराक्रम के स्मरण मात्र से ही राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं। तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठवहूं कंत जो चहूं भलाई। आगे वो समझाती है, तासु नारी, तासु का मतलब उसकी अर्थात जिसकी पत्नी है यानी श्री राम की पत्नी सीता। तासु नारी जिस निज सचिव बोलाई, या सचिव यानी मंत्री, उसकी नारी अर्थात सीता को, जिसकी है अर्थात श्री राम की है, अपना मंत्री बुला करके उसे लौटा दीजिए। पठवहूं यानी लौटा दीजिए। कंत जो चहूं भलाई, फिर कंत शब्द आ गया, हे प्रियतम, हे स्वामी, हे रावण, अगर आप इस रावण कुल की भलाई चाहते हो, कंत जो चहूं भलाई, अगर आप भलाई चाहते हैं तो सीता जिसकी है उसे लौटा दीजिए। तव कुल कमल विपिन दुखदाई। आगे वो कहते हैं कि सीता जो है, तव कुल तुम्हारे कुल के लिए, उसने कुल को उपमा दी है, कमल विपिन यानी कि कमल रूपी वन, तुम्हारा जो ये वंश है, तुम्हारा जो ये कुल है, जो कमल रूपी वन के समान है, ये सीता तुम्हारे कुल के लिए दुखदाई है। सीता सीत निशा सम आई। आगे वो समझाते हुए कहते हैं कि सीता जो है सीत निशा, सीत का मतलब होता है सर्दी और निशा का मतलब रात्रि, सर्दी की ठिठुरन भरी रात,
जो पीड़ा देती है, जो कष्ट देती है, उसका उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा है, सीता सीत निशा सम आई। ये सीता तुम्हारे कुल में उस सर्दी की ठिठुरन के समान बनकर के आई है। सुनहु नाथ सीता बिनु दिने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। आगे वो कहती है कि हे प्रियतम नाथ स्वामी, हे स्वामी, बिनु सीता दिन है, बिना सीता को राम को दिए हुए अर्थात लौटाए हुए हित न तुम्हार शंभु अज कीने। यहाँ दो शब्द आए हुए हैं, शंभु का मतलब शिव जिसका रावण भक्त था, और अज का मतलब है ब्रह्मा। उनका नाम लेकर के और मंदोदरी कह रही है हित न तुम्हार शंभु अज कीने, सीता को लौटाए बिना शिव और ब्रह्मा भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते। इसके नीचे दोहा दिया हुआ है, राम बाण अहि गन सरिस निकर निसाचर बेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु करहूं तजी टेक। दोहे के माध्यम से फिर वो समझाने का प्रयास कर रही है, राम के पराक्रम का इसमें वर्णन किया हुआ है कि राम बाण अहि गण सरिस, यहाँ शब्द आया हुआ है अहि, अहि कहा गया है सर्प को, सांप को, और सरिस का मतलब है समान। राम बाण अहि गण सरिस अर्थात राम के बाण जो हैं सर्प के समान, सांप के समान विषैले हैं, और निकर निशाचर भेख, निशाचर फिर शब्द आ गया है, रजनीचर निशाचर राक्षसों के लिए आता है, निशाचर भेख, और भेख कहा गया है मेंढक को। और हमारे पास में जो राक्षस हैं वो मेंढकों का समूह है। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जब लगी का मतलब है जब तक, ग्रसत का मतलब है निगल जाना, जब तक राम के सर्प रूपी बाण, विषैले बाण, जब तक हमारे इन निशाचर रूपी मेंढकों को ग्रसत का मतलब निगल नहीं जाते हैं, उन्हें चबा नहीं जाते हैं, मुंह में दबा नहीं लेते हैं, तब लगी जतनु, तब तक, जतनु का मतलब उपाय, तब तक कोई न कोई उपाय कर लीजिए, अर्थात रावण कुल को बचा लीजिए, करहूं तजी टेक। यहाँ टेक शब्द का मतलब आया है हट, जिद, अपनी हट को त्याग करके तब तक जो है कोई न कोई उपाय कर लीजिए।